वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, देखो। ये कहता है कि एक होलो सिलेंडर है, हम लोग के पास एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है एंड सॉलिड सिलेंडर है और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रोलिंग, स्लिपिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, विच ऑफ द रीच अर्ली, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, होलो पहुंचेगा कि सॉलिड पहुंचेगा। चलो, तो हमारे पास, हम लोग के पास दो सिलेंडर है, ठीक है। ये हम लोग के पास सिलेंडर रहा यार, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक हमने दो सिलेंडर लिया, एक होलो लिया, एक सॉलिड लिया। अब सबसे पहले कौन पहुंचेगा, या तो आपको डायरेक्ट टाइम वाला फार्मूला याद हो, डायरेक्ट टाइम वाला फार्मूला याद हो तो टाइम पहुंचने का जो टाइम होता है वो होता है टी साइन थीटा 2h 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट। या तो ये फार्मूला आपको याद हो, ठीक है, जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर ज्यादा होगा वो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, मतलब वो सबसे बाद में पहुंचेगा। जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर कम होगा, ठीक है, वो पहले पहुंचेगा, वो टाइम कम लेगा। तो सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू डिस्क के इक्वल होती है और ये आ जाएगी एम के स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर जो है वो 1/2.5 आ गया, ठीक है, के स्क्वायर आर स्क्वायर 0.5 आ गया सॉलिड सिलेंडर के लिए। होलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्जिया किसके बराबर होती है, रिंग के बराबर होती है, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इसके लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आया भैया, ये आया होलो सिलेंडर का आएगा सॉलिड। तो होलो सिलेंडर जो है दैट वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, के स्क्वायर स्क्वायर ज़्यादा है तो उसका टाइम ज़्यादा होगा, तो टाइम ज़्यादा होगा तो वो पीछे ही रहेगा उधर ही, ठीक है। ये पहले पहुँचाएगा, सॉलिड वाला पहले पहुँचाएगा, सॉलिड सिलेंडर विल रीच फर्स्ट, ठीक है, विच विल रीच अर्लियर, पहले कौन पहुँचेगा, दैट इज सॉलिड सिलेंडर। ए ऑप्शन सही है।